डुमरी उपचुनाव में INDIA और NDA गठबंधन की ओर से जहां एक ओर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इमोशनल कार्ड भी खूब खेला जा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। डुमरी में INDIA और NDA गठबंधन के बीच आर पार की लड़ाई है। दोनों गठबंधन दल किसी भी कीमत पर उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन दल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन के उम्मीदवार बेबी देवी सहानुभूति लहर पर सवार है, तो वहीं NDA अपने तरकस से चुन चुन कर तीर चला रही है। सहयोगी कांग्रेस भी मानती है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि जीत के रूप में मिलने वाली है। डुमरी की जनता भी जगन्नाथ दा को अपनी सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित करती रही है और हमें लगता है कि उनके निधन के बाद से लगातार डुमरी की जनता उनको श्रद्धा सुमन देती रही है। तो ये सबसे बड़ा दिन रहेगा कि उनकी धर्म पत्नी जो डुमरी की जनता का सेवा करने को लेकर के आज महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनको जब डुमरी की जनता अपना प्यार भी देगी और जगन्नाथ महतो जी के प्रति अपनी डुमरी चुनाव में इमोशनल कार्ड कितना कारगर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर BJP तंज कसते हुए कहती है कि डुमरी में भी रामगढ़ जैसा हश्र होगा। देखिए, हमारा मानना है कि डुमरी उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 4.25 साल की जो भी उनका रिपोर्ट कार्ड है वो सर चढ़कर बोल रहा है। इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, 17.5 लाख रोजगार हो जाने चाहिए थे 4.25 साल में। इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की घटनाओं में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार सिर्फ फरवरी तक का डेटा उपलब्ध है। डुमरी उपचुनाव में दो महिला उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है। NDA और INDIA गठबंधन अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब देखना होगा बेबी देवी का इमोशनल कार्ड कितना कामयाब होता है। रांची से समाचार प्लस के लिए प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार।